नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइवट टेबल को किस तरह से कॉपी करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने किसी भी सीट में पाइवट टेबल लगाया है, सबसे पहले मैं लगा के दिखाता हूं और उसको फिर से कॉपी करके दिखाता हूं। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। ओके, ये मेरा डेटा है और इस सोर्स डेटा में मैं क्या कर रहा हूँ, पाइवट टेबल एक इंसर्ट कर रहा हूँ और एग्जिस्टिंग सोर्स में ही मैं इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और कर रहा हूं ओके। तो यहाँ पे जो है कुछ प्रोडक्ट नेम है, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को मैं रो में रख रहा हूँ और यहाँ पे जो है टोटल वैल्यू को यहाँ पे कॉलम कर रहा हूँ। और इसका जो है कुछ डिजाइन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से जो डिजाइन कॉलम में जाके जो है आप यहाँ से जैसा चाहें आप डिजाइन रख सकते हैं। ठीक है, या डिजाइन रखने के बाद इसका जो है वैल्यू अगर आप बढ़ाना चाहते तो वो भी आप जो है अपने अनुसार इसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका वैल्यू बढ़ा देता हूँ तो ये जो है वैल्यू बढ़ जाएगा यहाँ से। ओके, अभी मेरा काम क्या है कि मैं चाहता हूँ कि ये पाइवट टेबल को मैं कॉपी करूँ, ये जो आप जो लगाए हो यहाँ पे पाइवट टेबल इसको कॉपी करके कहीं पे और भी रखना चाहता हूँ। तो नॉर्मल क्या होता है कि अगर आप यहाँ से कॉपी करेंगे तो क्या होगा, जैसे मैं यहाँ इसको जस्ट कॉपी करके और यहाँ पे अगर मैं पेस्ट कर रहा हूँ तो क्या होगा, अगर पेस्ट कर रहा हूं तो देखिए यहां पे एज ए पेस्ट वैल्यू आएगा, यहां पे फॉर्मेट नहीं आएगा। अगर मैं यहीं पे इसी को अगर नॉर्मल पेस्ट करता हूं तो क्या होगा, एक और पाइवट टेबल यहां पे क्रिएट हो जाएगा जो कि आप देखिए एज ए पाइवट टेबल के तरह काम करता है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको इस टाइप का जो पूरा फॉर्मेट की तरह जो कॉपी करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको मैं जस्ट डिलीट कर दे रहा हूं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम जो है इसी को जो है ये पाइवट टेबल को क्या करेंगे, जस्ट कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, ये पाइवट टेबल क्या हो गया, कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद यहाँ पे देखिए क्लिपबोर्ड है, तो क्लिपबोर्ड में क्या होता है कि सारा आइटम जो भी आप यहाँ पे कॉपी करते हो वो सभी यहाँ पे रहता है। तो लास्ट जो कॉपी हुआ है यहाँ पे ये हुआ, तो आपको पेस्ट कहाँ करना पड़ा, यहाँ पे पेस्ट करना है और ये जो वैल्यू लास्ट में जो कॉपी हुआ जस्ट इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्लिपबोर्ड को हटा दीजिए तो आपका जो है ये डेटा जो है देखिए ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे जो है पेस्ट हो चुका है। तो अभी देखिए ये इसका जो है इससे कोई लेना देना नहीं, अगर आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हो ठीक है या कुछ भी कर रहे हो तो, लेकिन आपका जो कॉपी वाला सेक्टर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कुछ भी वैल्यू आपको डिपेंडेंट नहीं है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग जो है किसी भी पाइवट टेबल को जो है कॉपी करते हैं, कॉपी करके एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो अब इसको जो है आप इंडिविजुअल ये डेटा को जो है किसी को शेयर करना चाहते हैं तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि मतलब कि किसी भी पाइवट टेबल को कॉपी किस तरह से करते हैं एक एग्जैक्ट लेवल में। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते कुछ न्यू आइडिया न्यू ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।